बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया हमसे दूर होता जा रहा है, लेकिन कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे भारत मिलाप हो रहा हो, भारत मिलाप। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो हमारी फसल सूखी पड़ी हुई थी और कई सालों बाद बरसात हुई है, तो इस बरसात से जो जो है आप लोग जो इतनी हरियाली फैलाई है आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा सा फील हो रहा है कि आप लोग एक बार फिर हमारे मतलब भाभी जी के आंगने आए हो, आंगने में आए हो, और मतलब खुशी सा महसूस हो रही है, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है, दिल गदगद है। ये सर हर जगह लड़कियों को ढूंढते रहते हो तो सारे क्या करेंगे, सारे काम धंधा है को नहीं, छोरी को नहीं ढूंढोगे तो सारे ऐसे मर जाएंगे फ्रस्ट्रेशन। ज्यादा मत बोलियो वरना घर तक बात पहुंचा दूंगा। नेहा भाभी था, गाना गा रही था सेट पे। हाँ जी सरवा, भैया मजाक कर रहे हो यार, सीरियस हो रहे हो यार। मुझे ऐसा लगता है कि कैसे पैसे जमा किया जाए बुरे वक्त में, वो सिखा के गया है। बैंक बैलेंस बना के चलो भैया, कब बुरा वक्त आ जाए कुछ पता नहीं। और दूसरी बात, लॉकडाउन से एडवांटेज ये मिला कि बरसों से मैं अपने वतन नहीं गया था, जो मेरा रामपुर शहर है वहाँ पर मैंने अच्छा वक्त गुजारा अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। उनकी जो सोच थी कि बच्चा बड़ा हो गया, स्टार बन गया, मिलने नहीं आता, वो सारी गलत फहमियाँ दूर कर कर, या यूँ कहूँ कि झाकरकटी के नाले में दबा कर, मैं वापस यहाँ आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस जो हालात बिगड़े हैं उससे थोड़ा दुख हुआ कि कोरोना की वजह से बहुत से अपने अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन ज़िंदगी जो है चलने का नाम है, जो दुनिया में आता है एक दिन उसे जाना होता है। लेकिन मालिक से दुआ है, उसकी बारगाह में दुआ है कि जल्द से जल्द और अच्छा माहौल हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, हम अच्छे से काम करें और मीडिया यहाँ पर आती रहे। सच में ये बात तो है कि लॉकडाउन से और इन जो बीच में जो विकट परिस्थितियाँ हमारे साथ पैदा हुई थी, काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। अब सलीम भाई तो पतली गली से निकल लिए थे, लेकिन हम पतली गली में भी नहीं माते, हम गली में फंस गए। और मेरा तो खास कर ये फंसना यह था कि मेरे जो घर में एक छोटा सा मेरा पप्पू पैदा हुआ, छोटा टीका पैदा हुआ था लॉकडाउन के बीच में, तो मैं कहीं जा नहीं सकता था। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा एक खुशखबरी थी मेरे लिए। और उन दिनों जो है फादर मदर मेरे पास में थे, तो घर वालों के साथ में रहने का मौका मिला, अच्छे बुरे का एहसास हुआ। और ये तो बोल रहे हैं कि पैसा बचाए, पैसा आए तो बचाए ना, कुछ ही नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों का प्यार मिला, साथ बैठने का, उठने बैठने का, खाने पीने का मौका मिला। और हमें क्या है कि खाने बनाने की बड़ी वो रहती है कि कुछ करें तो कुछ क्रिएटिविटी करें, वो हमने बहुत करी। जितना गुबार निकाल सकते निकाला हमने, घर वालों को पूरी तरीके से परेशान किया हमने, लेकिन कुछ दुख रहा, कुछ सुख रहा, काफ़ी मज़ा लिया हमने, आनंद लिया, और लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं आपसे 2020 की बात करता हूँ, जो पहला लॉकडाउन लगा, तो दुनिया का हर कामचोरपति जो काम नहीं करता था, तो जब पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगा तो सबको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हर आदमी ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार का खाता खोल दिया और अपने प्यार की बरसात कर दी। जिस आदमी ने कभी चाय में पत्ती नहीं डाली वो चाय बना रहा था, जिस आदमी ने कभी प्याज नहीं काटे वो प्याज काट रहा था, और लोग तरह तरह की चीज़ें देखकर यूट्यूब से, कोई जलेबी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अपने प्यार का इजहार कर रहा था। लेकिन भैया जैसे 21 दिन के बाद दोबारा अनाउंस हुआ ना कि आगे बढ़ने वाला है, तो उसके बाद जितने भी ये शेर थे, जो पति रूपी शेर थे, ये सब दड़वे में घुस गए, चूहे की तरह बिल में घुस गए, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ भाई आप रख नहीं सकते थे। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ कोई होगा और जो मेरी बात से सहमत ना हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100% झूठा है। आप हाथ उठा के कसम खा के कहिए कि घर में झाड़ू लगाई या नहीं लगाई, घर में पोछा लगाया या नहीं लगाया, बर्तन मांजे या नहीं मांजे। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि एक दिन हम बिल्डिंग के फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो आदमी लोग पति लोगों की क्या डिबेट चल रही है आपस में, यार भाई मेरी बीवी है ना 5 मिनट में झाड़ू लगाती थी, मेरा हाथ इतना साफ हो गया, 3 मिनट में झाड़ू लगा देता हूँ मैं, 3 मिनट में। कहता मेरी बीवी यार 10 मिनट में पोछा लगाती थी, भाई 8 मिनट की एवरेज है, 8 मिनट की। और कहता यार, एक कहता मेरी बीवी यार जब थोड़े बर्तन वगैरह धोती थी तो उनमें थोड़ा ऑयल दिखता था। कह रहा भाई साहब मेरा बर्तन जो धुलता है ना उसमें ऑयल का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ये अचीवमेंट थी। और बाकी जब टाइम गुजरता गया, बाकी जो इन्होंने कहा सीखने के लिए काफ़ी कुछ था, तो आप प्रिपेयर रहिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करोगे तो आगे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। लॉकडाउन कोरोना ख़त्म हुआ, पत्नी ने ये जो है ना पति नाम का जो कोरोना उसको बाहर कर दिया, मतलब निकलो भीड़ कम करो करके अंदर से। अरे एक चीज़ और भी थी कि जब पता चला बाहर लाठियां पड़ रही हैं, तो बीवियों को जो अपना गुस्सा निकलवाना था तो सामान लेने के लिए कहती थी बाहर से, मेरे लिए ये सामान लेके आओ। और पिछवाड़े पे पड़ते थे, कसम खा के कह रही हूँ भैया डंडे, मेरे नकाब लगा था, डंडा पड़ने वाला था, मैंने नकाब हटाया, लोगों ने पहचाना, अरे ये तो टिल्लू है, इस तरह से बचाओ वरना मेरे पिछवाड़े पड़ जाते। और जो फर्स्ट जो लॉकडाउन था, लोग प्रिपेयर नहीं थे, इतनी दहशत हुई पूछो मत, सब्जियाँ लेके आ रहे तो घर में एक कमरे में सिर्फ
ये कह सकते एक कमरा से सब्जियों के लिए था, सब्जी लाके 3 दिन तक कोई छूता नहीं था उसे कि गलती से टच ना हो जाए, और अगर सब्जियां ले ली तो ग्लव्स भी पहने हुए हैं। अब ग्लव्स उतरने के बाद भी हाथ सैनिटाइज हो रहे हैं 2 मिनट तक, उसके बाद 4 बार साबुन से धोए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जान। हाँ बिल्कुल, दूध के पैकेट धोए जा रहे थे और कुछ आप पैकेट ला रहे उसको सैनिटाइज कर रहे थे। मलखान ने तो जो है सैनिटाइजर से मंजन भी करना शुरू कर दिया। हाँ एक बार टीका ने कर लो तो बाद में सैनिटाइजर से मंजन कर लो तो मसूड़े लाल लाल आ गए, होठ लाल लाल आ गए, मैं टीका जे का कर दूँ, कह रहा यार मुझे लग रहा हो कि कोरोना के कीटाणु ना आ जाए, तो ऐसा करो कि भैया पूछो मत, उसके बाद एलर्जी आ गई थी, फिर बाद में ठीक हो गए। तो भैया देखिए जैसे जो नियम कायदे कानून है उसका पालन कीजिए, और अभी भी जब तक कि बिल्कुल 0 डिग्री पे ना पहुंच जाए टेम्परेचर कोरोना का, तब तक सावधान रहिए और सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल करते रहिए। मैंने कहा कसम खा के कह रही हूँ कोरोना तो मेरी तरफ आया तो मैं तेरे गुर्दे छील दूंगा या गुर्दे पकड़ के लटक जाऊँगा, मालिक का शुगर है कोरोना ने मेरी तरफ तो देखना है, लेकिन मुझे औरों की तो फिक्र है, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, मैंने कह दिया कोरोना अगर तूने इन सब के गुर्दे छीले तो मैं तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊँगा, इसलिए दूर रह वे। और कोरोना के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये एक शिकारी है मगरमच्छ की तरह, अगर आपको साइंस आपने पढ़ी हो तो, अगर मगरमच्छ एक शिकार को अटेम्प्ट करता है वो उसके, हाँ विज्ञान पढ़ी है, हाँ जगरखट्टी का लौंडो, हाँ MSc करी मैंने तो उसमें क्या होता है, अगर उसका शिकार निकल जाता है तो पानी में एक ही जगह वो एक एक हफ्ते बैठा रह सकता है, तो अगर कुछ घटना आपके पास से गुजर गई है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना इंतज़ार करता है कि कब आप ढीले पड़ रहे हैं, जब आप लाइट होंगे तो वो आपको लपक लेगा। और आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है आपने 2 इंजेक्शन लगवा लिए या आपने नहीं लगवाया या आपको आपको लगता है आपकी हार्ड इम्यूनिटी बड़ी हार्ड है, तो ये आपकी गलत फहमी है, हो सकता है आप तंदुरुस्त हो, आपको कोरोना हो गया लेकिन आपकी वजह से किसी बुजुर्ग को कोरोना पकड़ गया या किसी ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी उसे कोई डिजीज़ है, तो आप तो शायद बच जाएंगे लेकिन वो बंदा आपकी वजह से दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो प्लीज़ आप सावधान रहिए। अरे यार आप भी ना मगरमच्छ का उदाहरण दे रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना कि कोरोना जो है वो TMT की तरह है, दुनिया समझती है TMT शरीफ हो गए हैं, शरीफ ना कोई अच्छी सी लड़की गुजरी एकदम से लपक जाएंगे, कट्टो कहाँ को जा रही हो छुपा हुआ शिकारी है, कभी भी दबोच लेता है तो हमें इससे बच के रहना भैया, सावधानी बरतनी है, किसी और का ध्यान नहीं रखना हमको, हमको स्वयं का खुद का ध्यान रखना, खुद बचो, खुद को बचा लो दुनिया बच जाएगी।